क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर उनकी करेंसी यानी कि मुद्रा पर भगवान गणेशा का फोटो है। जी हां, हम बात भारत की नहीं बल्कि इंडोनेशिया की कर रहे हैं। इंडोनेशिया में रुपया नाम की करेंसी चलती है और वहां पर 20,000 रुपया के नोट पर भगवान गणेश की आकृति छापी गई है। यह सोचकर बहुत ताज्जुब होता है कि जिस देश की 87.2% आबादी मुस्लिम है और हिंदू आबादी की बात की जाए तो महज 1.7% लोग ही हिंदू हैं, उस देश में एक नोट पर भगवान गणेशा की आकृति होना काफ़ी हैरान कर देता है। 20,000 के इस नोट के ऊपर भगवान गणेश की आकृति के साथ ही इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानी की हजार देवांतरा का चित्र भी अंकित है और नोट के पिछली तरफ एक स्कूल की पाठशाला का दृश्य अंकित किया गया है। लेकिन मुस्लिम आबादी वाले इस देश में यह आखिर संभव हुआ कैसे? दरअसल इसके पीछे की वजह है इंडोनेशिया द्वीप समूह पर पहली सदी से ही हिंदू सभ्यता का अत्यधिक प्रभाव। अभी भी पूरे इंडोनेशिया में आपको जगह जगह हिंदू सभ्यता की प्राचीनतम कलाकृतियां देखने को मिल जाएंगी। किसी देश की मुद्रा सिर्फ उस देश के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक धनराशि ही नहीं बल्कि नोट पर छपी आकृति उस देश की पहचान का भी बखान करती है। इसी वजह से इंडोनेशिया सरकार ने अपने प्राचीनतम अस्तित्व को बचाए रखने और हिंदू सभ्यता से प्रभावित प्राचीनतम संस्कृति को भगवान गणेश की आकृति के माध्यम से उसे नोट पर अंकित करके आज के समय में जगा के रखने का प्रयास किया है। यही नहीं, महाभारत और रामायण से संबंधित कई किस्से भी इंडोनेशिया की सरजमीन से संबंध रखते हैं, जिसका सबूत है इंडोनेशिया के बाली में जगह जगह बने हिंदू मंदिर, जहां कई जगह तो अभी भी पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आपको जकार्ता स्क्वायर पर भगवान कृष्ण और अर्जुन की मूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इंडोनेशिया की मिलिट्री भगवान हनुमान की आकृति को शुभंकर के रूप में रखती है। तो हिंदू सभ्यता से ओतप्रोत इस देश का अस्तित्व ही इस देश की असली पहचान दुनिया के सामने रखता है और यही वजह है कि इंडोनेशिया की सरकार ने अपने 20,000 रुपया के नोट पर भगवान गणेश की आकृति को चित्रित किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।